दोस्तों आप देख रहे हो जी न्यूज पोर्टल में उमा शंकर तिवारी। मैं यहाँ मलाना ये तारणपुर ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर हूँ, जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आज हो रहा है, बाकी ग्राम पंचायत के गांव मानोली तारणपुर मानोली श्रीपुरा हो चुका है और बहुत आवश्यक है ये कार्य। इसे जब वायरस को खत्म करने में, ये वायरस समाप्त करने में काफी सहायता मिलती है। और ये सब ग्राम पंचायत सरपंच रामस्वरूप जी मीणा की देखरेख में चल रहा है। सरपंच जी, ये आपका जो हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव है या कोरोना खिलाफ में जो भी कार्य आप बड़ी तत्परता से कर रहे हो देखने में आ रहा है, ये कार्यक्रम कब से चल रहा है छिड़काव का? 4 रोज हो गए आपकी ग्राम पंचायत, जैसा कि 3 गांव आते हैं ना, त्रिपुरा मानोली तारणपुर मानोली बैरवा बस्ती जी तारणपुर। अच्छा, इसके अलावा और भी आपने क्या क्या कार्य किए हैं इस कोरोना काल में? कोरोना काल में सब छिड़काव कर रहा था, मास्क बांट रहा था। अच्छा, और ये भी मतलब गाइडलाइन भी दे रहे थे पब्लिक को। हाँ, मतलब जागरूक करने का कार्य भी आप कर रहे हैं? जागरूक भी किया था 8 चारों गांव में। अच्छा, तो माइक लगा चारों गांव में, हाँ, अलाउंस के माध्यम से ये जागरूक भी किया है इन्होंने। इनके पास में, सरपंच जी के पास में अच्छी टीम है काम करने वाली, जिनमें पूर्व सरपंच पति बाबूलाल जी भी हैं और सरपंच भी, उप सरपंच जी भी यहाँ पर हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अच्छी बात है, यह एक मानव के खिलाफ में बहुत बड़ी त्रासदी है। ये समय मानव जीवन पर संकट आया हुआ है, इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। सरपंच जी, आप क्या कहना चाहेंगे, सभी आप आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे, कैसे रहें और क्या क्या सावधानियां रखें? सावधानी रखो, 2 मीटर की दूरी रखो, मास्क लगाओ और अपना घर में रहो, फालतू भी फालतू की डोलो बाजार में, आवश्यकता पे निकलो। और शादी ब्याह जैसे कई शादी ब्याह तो निरस्त कर दिया पूरा गांव का। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के सहयोग, पूरा गांव का शादी ब्याह सब निरस्त, यानी ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई शादी ब्याह नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो, अच्छी बात है ये भी कि संक्रमण का कारण अपने यहाँ विशेष कर रहा है वो रहा है शादी ब्याह, उसमें काफी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, पूरा बिल्कुल खत्म कर दिया पूरा बिल्कुल। जैसा कि सरपंच जी बता रहे हैं कि आपसी समझाइश से और वर्तमान जो तात्कालिक परिस्थितियाँ बनी है उससे सभी लोगों ने जो भी अपने शादी ब्याह निश्चित थे वो सबको स्थगित कर दिया। समझ भी पब्लिक ने, तो मैं भी ये कहूँगा कि जी पोर्टल के माध्यम से ये कहूँगा कि ये बहुत ही विकट समय है, इसमें सभी सावधानी और गाइडलाइन के अनुसार रहें, जैसा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, समय और आवश्यक हो तभी घर से निकलें। सभी युवाओं को और सभी प्रबुद्ध नागरिकों को मैं भी जी पोर्टल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि सभी लोगों को इस बात को समझाएं और ये विकट समय इसको निकालें, जिससे कि हम अपनों को, अपने पड़ोसियों को, आम मनुष्य को इस संकट में बचा सके, यही हमारा आज का दायित्व है। इसी के साथ मैं उमाशंकर तिवारी जी पोर्टल के लिए, धन्यवाद।